हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आपके मैथ्स ऑनर्स में फर्स्ट सेम में एक पेपर है लीनियर अलजेब्रा एंड इट्स एप्लीकेशन। अलजेब्रा का जो पेपर है इसको तीन सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक है डीसी ले बुक से, डेविड सी ले बुक से है। दूसरा गुडेयर बुक से है जिसमें डिस्क्रीट अलजेब्रा हमें पढ़ना है। इसमें लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है और तीसरा जो है वो ए टू जेड बुक से ली गई है, टी टू एंडरसन से, जिसमें हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है। तो इसकी रीडिंग आपके कॉलेज में अवेलेबल फोटोस्टेट शॉप से मिल जाती है। उसमें सारे सिलेबस कंपाइल करके अच्छे से दिए हुए हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें कवर अप करनी है। तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट लीनियर अलजेब्रा एंड इट्स एप्लीकेशन, जो कि थर्ड एडिशन है और इसी से आता है डेविड सी ले। इसमें आपका सिलेबस होगा ये जो टिक मार्क किए हुए हैं, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 से लेकर के 1.9 तक। चैप्टर टू में 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 इज़ नॉट इन आवर सिलेबस। देन फिर 2.8, 2.9, 3 नहीं है, 4 में भी जो जो टिक मार्क है 4.1 से लेकर के सारे हैं, बस 8 नहीं है। और 5 में बस 5.1 और 2 है। इतना आपके कोर्स में है इस वाले बुक से। ये अलजेब्रा आपको इसलिए अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये अलजेब्रा आपको फिर से कब मिलेगा, फोर्थ सेम में भी मिलेगा और फिफ्थ सेम में भी मिलेगा। लीनियर अलजेब्रा फिर से ये बहुत बड़ा पेपर बन जाएगा फोर्थ सेम में जाकर के अलजेब्रा में। तो चलो, अभी अलजेब्रा में तीनों चीज़ मिक्स किया हुआ है, लीनियर अलजेब्रा, डिस्क्रीट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, दिस इज़ आवर राइट वे इंस्टीट्यूट। नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है। अगर आपको क्लास पसंद आती है, आप आगे के भी वीडियोज़ चाहते हो या फिर ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो, क्लासरूम कोचिंग भी, तो आप इस नंबर पे बात करके यहाँ आ सकते हो। और ऑनलाइन और ऑफलाइन में दोनों के अलग अलग अपने फ़ायदे हैं। ऑनलाइन में क्या है कि आप रात को भी पढ़ सकते हो, मेट्रो में जाते वक्त पढ़ सकते हो। जो बच्चे दूर रहते हैं, जो नहीं आ पाते, ट्यूशन नहीं ज्वाइन कर पाते, वो सोचते कि अरे ट्यूशन ज्वाइन किया होता तो 5-10 नंबर और आगे रहते, उन बच्चों के लिए ऑनलाइन काफ़ी बेनिफिट होता है। लेकिन अगर आप पास में रहते हो और यहाँ एफर्ट कर सकते हो आना जाना, तो फिर ऑफलाइन भी आपके लिए सही है। आप, वो आपके ऊपर है, आप जैसे करना चाहो। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में ही आपको पूरी बातें पढ़ाई जाएंगी, दोनों में ही समझ में आएगा। इसलिए ये दिमाग में मत रखना कि क्लासरूम में कुछ ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, ये ऐसी बातें नहीं है। हम लोग बिल्कुल सेम टू सेम पढ़ाते हैं। तो चलो देखो, शुरू करने जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा, डेविड सी ले का चैप्टर 1। चैप्टर के 1.1 में हमें सॉल्यूशन के बारे में बता रखा है। 1.1 में हेडिंग है सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये तो आपने पहले भी पढ़ रखा है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। 9th क्लास में, 10th क्लास में दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है हमें, सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन अब हमें नेचर ऑफ सॉल्यूशन पढ़ना है। जैसे मान लो कि अगर हमारे पास दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, चलो ले लो x1 - 2x2 = -1, -x1 + 2x2 = 3, और एक है x1 - 2x2 = -1, -x1 + 2x2 = 1। दोनों सिस्टम में क्या फ़र्क है? अगर आप यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना चाहोगे ना, नहीं निकल पाएगा। देखो ना, दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग, x1 x1 cancel 2x2 2x2 cancel 0 = 2, विच इज़ रॉन्ग मैथमेटिकली। तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट मिल रहा है ना, जीरो कैसे हो सकता है टू के इक्वल, विच इज़ रॉन्ग।
हेंस पता है इस केस में क्या हुआ, नो सॉल्यूशन, यानी दोनों लाइन बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, तो नो सॉल्यूशन। और यहां पर क्या होगा बताओ, ऐड करोगे एक्स वन कैंसिल, टू एक्स टू कैंसिल, जीरो इज इक्वल टू जीरो, यानी ऑल पॉइंट्स आर द सॉल्यूशन, ऑल पॉइंट्स आर सॉल्यूशन। इसका मतलब है अगर इसमें लाइन मिल भी रहा होगा, अगर ये एक लाइन है दूसरी लाइन भी यही होगी, तभी तो हर पॉइंट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो गया बताओ, अगर ज्योमेट्रिकली देखें तो कोइंसिडेंट लाइंस हैं दोनों। यहाँ पर क्या हो रहा है बताओ, अगर आप देखोगे दोनों लाइन को स्केच करोगे, x1 0 डाला या जो भी है, स्लोप तो दोनों का सेम है, इंटरसेप्ट बस अलग अलग है। अगर x1 0 डालोगे तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बाई टू, तो x1 0 और x2 की वैल्यू 1 बाई टू, 0 एंड 1 बाई टू। और अगर x2 0 डालोगे तो x1 की वैल्यू माइनस वन, ये लाइन हो गई माइनस वन, जीरो से पास करती हुई। दूसरी लाइन में अगर x1 0 डालोगे तो x2 इज 3 बाई टू, 3 बाई टू का मतलब है यहाँ। और जब x2 0 डालोगे तो x1 इज माइनस थ्री इधर, यानी ये दोनों क्या है बताओ, पैरेलल लाइंस एंड दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो देखो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि अगर अभी बहुत ही सिंपल सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात करें, दैट इज लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अगर ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को कट करते हैं तो सॉल्यूशन मिलेगा, जो कि थर्ड केस है। जैसे कभी अगर ग्राफ में कुछ ऐसा जाए कि ये लाइन है कि ये लाइन, तब तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, एक ही पॉइंट मिल रहा है। इस केस में क्या है बताओ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इस वाले केस में नो सॉल्यूशन। तो इन तीनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ज्योमेट्रिकली क्या होता है। अगर दो लाइन या कोई सिंपल सा दो वेरिएबल में अगर इक्वेशन है तो ये लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए अभी हम लोग लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर दो लाइन एक दूसरे को कट करता है तो या तो एक पॉइंट पर कट करेगा या सारे पॉइंट पर कट करेगा। अगर एक पॉइंट पर कट करेगा तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, अगर सभी पॉइंट्स पे कट करेगा तो हमें क्या मिलेगा बताओ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और अगर कट नहीं करेगा तो नो सॉल्यूशन। आगे बात समझ में? तो ये तीन केसेस हो गए। अब मैट्रिक्स नोटेशन पे हमें जाना है। एक चीज और, जब नो सॉल्यूशन होता है तो पता है हम इसको क्या कहते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और ये दोनों क्या हो गए बताओ, कंसिस्टेंट हो गए, क्योंकि सॉल्यूशन इसमें भी है और इसमें भी है, भले ही यहाँ इनफाइनाइट है लेकिन है तो सही, इसलिए इन दोनों को कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहा जाता है। अब इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे मैट्रिक्स मेथड से, मैट्रिक्स नोटेशन और मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। किस तरीके से सॉल्व किया जाता है चलो देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस कैसे सॉल्व करना है, बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मेथड, बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आपने ट्वेल्थ में पढ़ा था ना, वही यहाँ भी करना है, बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। आपके बुक का ही है एग्जाम्पल वन, देखो जरा, x1 माइनस टू एक्स टू प्लस एक्स थ्री इज इक्वल टू जीरो, टू एक्स टू माइनस एट एक्स थ्री इज इक्वल टू एट, माइनस फोर एक्स वन प्लस फाइव एक्स टू प्लस नाइन एक्स थ्री इज इक्वल टू दिस वन। अब देखो इक्वेशन को तो लिखना पड़ेगा,
x1 minus 2x2 plus x3 is equal to 0, 2x2 minus 8x3 is equal to 8, minus 4x1 plus 5x2 plus 9x3 is equal to minus 9. इसमें सबसे पहले हम लोग बनाएंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. एक वर्ड आता है ऑगमेंटेड. ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में जितने भी कोफिशियंट है उनको तो हम लिखते ही हैं, साथ ही साथ राइट हैंड साइड वाले कांस्टेंट को भी लिखते हैं. तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हो गया वन, क्योंकि एक्स वन का कोफिशियंट है वन. यहाँ पे कोई एक्स वन नहीं है तो ज़ीरो इंटू एक्स वन कर देंगे, तो ज़ीरो माइनस फोर. एक्स टू के कोफिशियंट्स क्या क्या हो गया, माइनस टू टू एंड फाइव. एक्स थ्री के हो गया वन माइनस एट नाइन. बीच में सेपरेटर डाल दो या मेंटली समझो, लिखने की ज़रूरत नहीं होती, माइनस नाइन. अब हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करके डायगनल के नीचे जितने भी वैल्यूज़ हैं इनको कोशिश करते हैं कि ज़ीरो ज़ीरो बना दिया जाए. आप चाहो तो डायगनल के ऊपर भी एलिमेंट्स को क्या बना सकते हो बताओ, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ये आपकी मर्ज़ी है. नीचे भी बना सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा होता है हम नीचे बना लें. तो देखो ज़रा, यूजिंग आर वन, और ये है पहला पिवट पोजिशन. इस वन के हेल्प से इन दोनों को ज़ीरो बनाएंगे, फिर यहाँ जो पोजिशन होगा उसके हेल्प से इसको ज़ीरो बनाएंगे, और ये तो अपने आप बन जाता है या फिर देखना पड़ता है. तो देखो R2 में पुट, R2 तो ज़ीरो है ही, तो R2 को तो छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है. सीधा R3 में पुट कर देते हैं हम लोग, क्या R3 प्लस 4 R1. देखो टारगेट एलिमेंट में हम लोग ऐसे ही ज़ीरो बनाते हैं इस ऑर्डर में, पहले इन दोनों को फिर जो आ रहा है उसको, इस तरीके से ज़ीरोज़ बनाते हैं. तो पहला तो एक ज़ीरो है इसलिए उसको टच नहीं किया, खाली R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं. तो R3 प्लस 4 R1, तो वन, देर इज़ नो चेंज इन R1, तो चलो इसको कॉपी कर दो. ज़ीरो ज़ीरो टू माइनस एट एट, एंड R3 में तो चेंज होने वाला है. माइनस फोर प्लस फोर इज ज़ीरो, फाइव और माइनस एट कितना हो गया बताओ, माइनस थ्री. नाइन प्लस फोर थर्टीन, माइनस नाइन और फोर टाइम ज़ीरो ऐड किया तो माइनस नाइन ही रह गया. ये दोनों ज़ीरो आ चुके हैं. अब ध्यान देना, अब हमें इस प्लेस को ज़ीरो बनाना है. तो पता है हम किस में ऑपरेशन करेंगे, खाली R2 और R3 में. अगर मैंने गलती से R1 को अगर यूज़ कर लिया तो हो सकता है कि ज़ीरो कोई गायब हो जाए, क्योंकि ज़ीरो में कुछ भी, इसमें कुछ भी करके इसके साथ ज़ीरो करोगे तो वन भी यहाँ आ जाएगा, तो ये ज़ीरो गायब हो जाएगा. जबकि हमें इन दोनों ज़ीरो को बचा करके रखना है. तो चाहे जितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, चाहे जितना भी बड़ा ऑपरेशन हम लगाएंगे सिर्फ R2 और R3 में ही. तो देखो R3 goes to twice of R3, माइनस सिक्स हो जाएगा, और प्लस थ्री ऑफ आर टू. तो वन ज़ीरो, माइनस टू टू, वन माइनस एट, क्योंकि इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है. अच्छा मैंने इसमें चेंज किया था या नहीं, अच्छा उसमें हुआ नहीं था, ठीक है. अब आर थ्री में चेंज हो रहा है, टू आर थ्री प्लस थ्री आर टू, ज़ीरो हो गया. टू आर थ्री का मतलब है ट्वेंटी सिक्स, प्लस थ्री का मतलब है ट्वेंटी नाइन, सॉरी आर टू हो रहा है ना, ट्वेंटी सिक्स प्लस थ्री आर टू का मतलब है माइनस ट्वेंटी फोर. तो टू आ गया, यहाँ पर टू आ गया, और इधर क्या हो गया, टू आर थ्री प्लस थ्री आर टू. टू आर थ्री का मतलब है माइनस एटीन और प्लस ट्वेंटी फोर, तो ये सिक्स आ गया. आ गई ये सारी वैल्यूज़. अब इनको हम वापस इक्वेशन में लगा करके लिखेंगे, वापस इक्वेशन में लगा करके लिखेंगे, यानी x1 माइनस टू एक्स टू प्लस एक्स थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो. ये x1 का प्लेस था, ये x2 का था, और ये x3 का था. फिर x1 ज़ीरो, तो 2x2 माइनस 8x3 इज इक्वल टू 8. x1 x2 ज़ीरो, तो 2x3 इज इक्वल टू 6. अब ध्यान दो ज़रा, अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि
इन तीनों को ज़ीरो हमने इसलिए बनाया था क्योंकि ये तीनों आएंगे ही नहीं इक्वेशन में, तो लास्ट वाली इक्वेशन बहुत ही सिंप्लीफाइड होगी। और पहले वैल्यू किसकी आएगी बताओ, एक्स थ्री की वैल्यू आएगी पहले, टू थ्री ज़ा सिक्स, एक्स थ्री को इसमें थ्री डालोगे, एट थ्री ज़ा ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर उधर गया ट्वेंटी फोर और एट थर्टी टू, थर्टी टू बाई टू सिक्सटीन। अब इसमें सिक्सटीन डालोगे तो सिक्सटीन टू ज़ा थर्टी टू और ये है थ्री, तो माइनस थर्टी टू और प्लस थ्री कितना हो गया माइनस ट्वेंटी नाइन, एक्स वन इज इक्वल टू प्लस ट्वेंटी नाइन। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन इज एक्स वन ट्वेंटी नाइन, एक्स टू सिक्सटीन और एक्स थ्री थ्री, इज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। इसको हम लोग क्या कहते हैं बताओ, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में और भी बहुत कुछ है, ये हमने, ये जो मैट्रिक्स है इसका नाम है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हमने इसे रिड्यूस किया था अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में और वहीं पे इक्वेशन में पुट करके सॉल्व कर दिया। तो ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में सेट करके और फिर सॉल्व करना। अब बताओ कि हमारा इक्वेशन किस टाइप का आया है, तो इक्वेशन में एक सिंगल वैल्यू आई है ना, तो हम क्या लिखेंगे बताओ, यूनिक सॉल्यूशन। किस टाइप का सॉल्यूशन आया है, यूनिक सॉल्यूशन। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से ये था हमारा। एक और क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से, जिसमें नो सॉल्यूशन का केस आएगा, दैट इज आवर एग्जांपल नंबर टू। एग्जाम्पल टू, इसमें दे रखा है एक्स वन माइनस टू एक्स टू प्लस एक्स थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, टू एक्स टू माइनस एट एक्स थ्री इज इक्वल टू एट, माइनस फोर एक्स वन प्लस फाइव एक्स टू प्लस नाइन एक्स थ्री इज इक्वल टू माइनस नाइन। नाउ सी, इसको भी ऐसे ही ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में बना लेते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज, ऑगमेंटेड बनाएंगे तो वन ज़ीरो माइनस फोर, यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा, फिर माइनस टू टू फाइव, वन माइनस एट नाइन, बीच में सेपरेटर ज़ीरो एट माइनस नाइन। अभी शुरुआत में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो सेपरेटर डालने की हैबिट डालो, आगे चल के तो ये सेपरेटर आप नहीं डालोगे तो भी चलेगा। अब देखो इसके नीचे इन तीनों को ज़ीरो बनाना है, तो एक तो ऑलरेडी ज़ीरो है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो अभी तो हम आर थ्री में डाल देंगे ना, आर थ्री गोज़ टू आर थ्री प्लस फोर आर वन, तो क्या हो जाएगा वन माइनस टू वन ज़ीरो, देर इज़ नो चेंज इन आर वन एंड देर इज़ नो चेंज इन आर टू ऑल्सो। अब आर थ्री प्लस फोर आर वन ज़ीरो हो गया, आर थ्री प्लस फोर आर वन फाइव, माइनस एट कितना हो गया माइनस थ्री, नाइन प्लस फोर थर्टीन, माइनस नाइन और फोर टाइम्स ज़ीरो माइनस नाइन। ये मेरे ख्याल से सेम क्वेश्चन है क्या ये, मैंने क्या सेम क्वेश्चन कॉपी कर दिया है। तभी मुझे लग रहा है कि ये मुझे दिखा दिखा सा लग रहा है, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं था हमारा, ये तो सेम ही है, एग्जाम्पल थ्री करना है हमें। एक्स टू, इसको नए पेज पे करते हैं एग्जाम्पल थ्री को। एग्जाम्पल थ्री जो कि इनकंसिस्टेंट का है, एक्स टू माइनस फोर एक्स थ्री इज इक्वल टू एट, टू एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू
plus 2x3 is equal to 1, 5x1 minus 8x2 plus 7x3 is equal to 1. तो इसका augmented matrix क्या बनेगा बताओ? Augmented matrix is 1 नहीं है ही नहीं तो 0, x1 नहीं था तो क्या बन जाएगा बताओ? 0. फिर यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 5, 1 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 4 2 7 8 1 1, ये आ गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारा. अब अगर ऊपर में 0 है तो इसके हेल्प से इन दोनों को कैसे 0 बनाएं? तो कोई रो को इंटरचेंज कर दो ना, R1 इंटरचेंज विथ R2, तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3 2 1 0 1 माइनस 4 8 5 माइनस 8 7 1. अब 2 के हेल्प से इसको 0 बनाएंगे. तो देखो R3 गोज टू 5 2 जा 10 और 2 5 जा 10, यानी 2R3 में से 5R1 माइनस करेंगे तो देयर इज नो चेंज इन R1. ये तो 10 माइनस 10 0 हो गया. माइनस 8 इंटू 2 इज माइनस 16 और प्लस 15, माइनस 16 और प्लस 15 कितना हो गया? माइनस 1. 7 2 जा 14 माइनस 10 4, 2 माइनस 5 इज माइनस 3. अब इसको 0 बनाना है तो बहुत ईजी हो गया. सीधा R3 गोज टू, देखो कैसे 0 होगा, R3 प्लस R2 से, R3 प्लस R2 विदाउट डिस्टर्बिंग दीज टू जीरोज, माइनस 3 1, 2 माइनस 4 1 8, माइनस 1 एंड 1 0 0, 8 माइनस 3 इज 5. अब जब इसके इक्वेशंस को आप वापस लिखोगे, अब जब आप इसके इक्वेशन को वापस लिखोगे तो क्या मिलेगा हमें? 2x1 माइनस 3x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 1, फिर x2 माइनस 4x3 इज इक्वल टू 8 और 0x3 इज इक्वल टू 5. अब आप कहोगे मैम आपने 0 यहाँ लगाया, इन दोनों के साथ क्यों नहीं लगाया? तो हमें चाहिए एक डायगनली इक्वेशन, हमें चाहिए एक डायगनली इक्वेशन. पहले वाले इक्वेशन में तीनों दिखते हैं, दूसरे वाले इक्वेशन में सेकंड थर्ड दिखते हैं, थर्ड वाले इक्वेशन में थर्ड दिखते हैं. अब अगर ये कोइंसिडेंटली 0 आ गया तो इसमें हमारी गलती थोड़ी है, हम तो लिखेंगे 0 इंटू x3 इज इक्वल टू 5. अब बताओ जरा मुझे, क्या कोई ऐसा x3 मिलेगा जो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर के 5 देगा? तो नो सच वैल्यू ऑफ x3 एग्जिस्ट जो कि 0 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या बना दे बताओ? 5 बना दे. ऐसा कोई भी x3 नहीं है. सो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट का मतलब इट हैज नो सॉल्यूशन, इसके पास सॉल्यूशन ही नहीं है. तो ये था हमारा 1.1, जिसमें कि हमें सॉल्व करना है कभी सॉल्यूशन होगा और कभी सॉल्यूशन नहीं होगा. तो ये हम लोगों ने देख लिया. अब 1.1 में कुछ क्वेश्चंस जो कि पेपर में आते हैं, इक्वेशंस वाले तो आते ही आते हैं, साथ ही साथ एक टेम्परेचर वाला भी आता है जो कि है यहाँ देखो, बस एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है. एन इम्पॉर्टेंट कंसर्न, मतलब 33 क्वेश्चन नंबर आप इसको मान सकते हो. स्टडी ऑफ हीट ट्रांसफर इज टू डिटरमाइन द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ थिन प्लेट व्हेन द टेम्परेचर अराउंड द बाउंड्री इज नोन. बाउंड्री के अराउंड टेम्परेचर पता है हमें, अब अंदर वाले शीट पे निकालना है.
Temperature around the boundary is known. Assume the plate shown in the figure represent a cross section of a metal beam. मेटल बीम का मतलब क्या हो गया? बहुत सारे मेटल रॉड को जो है ना टच करके बनाया गया मेटल बीम. T1, T2, T3, T4 denote the temperature at the four interior nodes of the mesh in the figure. The temperature at a node is approximately equal to the average of the four nearest nodes. ये 1, 2, 3, 4 पे जो भी एवरेज टेम्परेचर होगा वो इनके नियरेस्ट जो चार नोड होंगे उनका एवरेज होगा. टू द लेफ्ट राइट अबव एंड बिलो, फॉर इंस्टेंस दिस वन. अब चलो इस फिगर को बनाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ये है क्वेश्चन नंबर 33. इसमें डायग्राम बना रखा है लाइक दिस वे. वन टू थ्री फोर, तो क्यों ना इसको T1, T2, T3, T4 मान लो. और ऊपर का क्या है बताओ? 20 डिग्री. यहाँ भी है 20 डिग्री, यहाँ है 40 डिग्री, यहाँ है 40 डिग्री, यहाँ है 30 डिग्री, यहाँ है 30 डिग्री, यहाँ है 10 डिग्री, यहाँ भी है 10 डिग्री. अब देखना ज़रा, अगर हम T1 निकालना चाहते हैं तो इसके लेफ्ट में क्या है 10 डिग्री, राइट में क्या है T2, नीचे है T4 और 20, इन चारों का 1/4. यानी T1 इज इक्वल टू 10 प्लस 20 डिग्री और फिर T2 और T4 बाय 4. ये हो गई पहली इक्वेशन जो कि इम्प्लाई करेगा 4T1 माइनस T2 माइनस T4 इज इक्वल टू 30. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. अननोन कितने बताओ? 4 हैं, T1, T2, T3, T4. तो इक्वेशन भी जरूर 4 बन रहे होंगे. अब T2 बनाना है तो T2 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4. तो 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस T1 प्लस T3 बाई 4. तो ये क्या हो गया 4T2. इसको इधर लेते आएंगे तो T1 माइनस 4T2 और प्लस T3 और 20 प्लस 40 उधर गया तो माइनस 60. दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. अब T3 के लिए थर्ड इक्वेशन बनाएंगे तो T3 इज इक्वल टू, इसके चारों तरफ कौन सा है? एक ये है, ये है, ये और ये है. तो 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस T4 प्लस T2 बाय 4. सो 4T3 को इधर लेते आएंगे तो T2 माइनस 4T3 प्लस T4 इज इक्वल टू 40 और 30 70 हो गया तो माइनस 70. दिस इज थर्ड इक्वेशन. फोर्थ इक्वेशन के लिए T4 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 10 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस T1 प्लस T3 बाय 4. तो ये हो गया T1. 4T4 है तो T1 प्लस T3 माइनस 4T4 इज इक्वल टू माइनस 40. दिस इज आवर फोर्थ. अब चारों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है तो बताओ इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसा बनेगा? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज, ध्यान से देखना, इसमें T1 है, हाँ है 4, T1 है, हाँ है, इसमें T1 नहीं है 0, इसमें T1 है 1, इसमें T2 है माइनस 1, इसमें T2 है माइनस 4, इसमें T2 है 1, इसमें T2 नहीं है 0, इसमें T3 नहीं है 0, T3 है, T3 का माइनस 4, T3 का 1, T4 का माइनस 1, 1, नहीं सॉरी, इसमें सेकेंड वाले में T4 है ही नहीं. फिर इसमें T4 का 1 और इसमें T4 का माइनस 4 और यहाँ पर क्या आ गया बताओ? 30 माइनस 60 माइनस 70 माइनस 40. अब नहीं होगा ये क्वेश्चन. अब बताओ क्या करेंगे? 4 के हेल्प से इन दोनों को 0 बनाएंगे, R2 में पुट कर देंगे, 4R2 माइनस R1,
और साथ ही साथ आर फोर में भी पुट कर देंगे, फोर आर फोर माइनस आर वन, तो ये फोर माइनस वन ज़ीरो, माइनस वन थर्टी, ज़ीरो 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 हो जाएगा ये। आर टू में चेंज हो रहा है ना, फोर आर टू का मतलब हो गया माइनस सिक्सटीन और प्लस वन तो माइनस फिफ्टीन, फोर आर टू का मतलब हो गया फोर, फोर आर टू माइनस आर वन तो वन, फोर आर टू का मतलब हो गया माइनस सिक्स फोर जा टू फोर्टी और तो माइनस टू सेवेंटी, ज़ीरो वन। थर्ड रो में कोई चेंज नहीं है, फोर्थ रो में चेंज हो रहा है, फोर आर फोर माइनस आर वन तो वन, फोर आर फोर माइनस आर वन फोर, फोर आर फोर का मतलब है माइनस सिक्सटीन और प्लस वन माइनस फिफ्टीन, फोर आर फोर का मतलब है माइनस वन सिक्सटी और माइनस थर्टी तो माइनस वन नाइन्टी। अब इसके हेल्प से इन दोनों को ज़ीरो बनाना है, तो आप क्या पुट करोगे, आर थ्री गोज़ टू फिफ्टीन आर थ्री प्लस आर टू एंड आर फोर गोज़ टू आर फोर प्लस फिफ्टीन आर टू, सॉरी फिफ्टीन आर फोर प्लस आर टू, फिर ये दोनों ज़ीरो बन जाएंगे। फिर जो आएगा यहाँ पर उसके हेल्प से इसको ज़ीरो बनाना, फिर इक्वेशन लिखोगे तो पहले t4 की वैल्यू आएगी, फिर इसमें पुट कर दोगे तो t3 आएगी, फिर इसमें पुट कर दोगे t3 और t4 की तो t2 आ जाएगी, तीनों को पुट कर दोगे तो t1 आ जाएगा। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर होगा। तो ये था हमारा 1.1। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे 1.2, रो रिडक्शन एंड इक्लिन फॉर्म। इसमें दोनों टाइप के करेंगे, इक्लिन फॉर्म और रिड्यूस्ड इक्लिन फॉर्म भी करेंगे, पिवट पोजीशन वगैरह पहचानना सीखेंगे रो रिडक्शन एल्गोरिदम, और उसके बाद से क्वेश्चंस तो हमने लगभग कर लिया है, 1.2 भी हो जाएगा और 1.3 भी, वेक्टर इक्वेशन, दो सेक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 1.2 और 1.3 के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आप इस नंबर पे जो सामने नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9311377321, आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो कि आगे क्लासेस कैसे लगेंगी।